अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए आज 25 साल हो चुके हैं। भारत में आजादी के बाद यह सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना ने देश की राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को बुरी तरीके से झकझोर दिया था। दोस्तों, समय समय पर अयोध्या की इस भूमि को लेकर यह विवाद उठता रहा है कि इस जमीन पर राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या के 500 साल का पूरा रहस्यमय इतिहास व खुदाई में प्राप्त उन सबूतों को भी दिखाएंगे जिन्हें देख खुद पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी समुदाय के व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम अयोध्या का इतिहास और अयोध्या की खुदाई में प्राप्त कुछ सबूतों को आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं निर्धारित कीजिएगा कि यहाँ पर राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद। अयोध्या हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर था यह हर हिंदू मानता है, परंतु मुस्लिम मत के अनुसार यहाँ बाबरी मस्जिद थी और आगे भी वही होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि आखिर इस विवाद की जड़ है कहाँ। सन 1528 बाबर ने यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था। सन 1853 हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। 1859 ब्रिटिश सरकार ने विवादित भूमि के अंतर्गत और बाहरी परिसर में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थना करने की इजाजत दी। 1885 में मामला पहली बार अदालत पहुँचा। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में मंदिर के निर्माण के लिए अपील दायर की। 5 दिसंबर 1950 महंत परमहंस रामचंद्र दास ने बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति रखने के लिए मुकदमा दायर किया और यह वही साल था जिस साल मस्जिद को ढांचे का नाम दिया गया। सर्वप्रथम 1977 में अयोध्या की खुदाई में ASI की टीम को पूरे 14 ऐसे पिलर मिले जिन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी हुई थी, लेकिन इन पिलर्स पर उस समय बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। आइए सुनते हैं उस समय के ASI चीफ प्रोफेसर बीबी लाल का बयान। जब जन्मभूमि में हमने खुदाई की तो वहाँ पर हमको मस्जिद के पास ही करीब 2 मीटर हट करके, ज़्यादा नहीं, उसके बाउंड्री वाल से 2 मीटर हट करके हमारी ट्रेंच थी। उस ट्रेंच में हमको पिलर बेसिस मिले। इसके साथ ही उस टीम में ASI के मुस्लिम अफसर के मोहम्मद भी थे। आइए सुनते हैं इनका भी बयान। 3 टेम्पल पिलर्स जो मस्जिद था उसी में 14 टेम्पल पिलर्स एम्बेडेड थे, तो वो देखने से किसी को भी पता लगता है कि ये मंदिर का। फिर हम लोगों ने एक्सकवेशन किया तो एक्सकवेशन में जो पिलर खड़े होने के लिए जो बेस चाहिए, जो ब्रिक बेस है, वो ब्रिक बेस मिला। तो इसी वजह से जो ना उस टाइम में ये कहा था ये मंदिर का जो ना अवशेष इस मस्जिद में है करके। अयोध्या में 2 बार खुदाई हुई। दोनों ही खुदाइयों का मकसद एक ही था, ये पता लगाना कि बाबरी मस्जिद के नीचे क्या मंदिर था या नहीं, क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं। पहली बार सन 1977 में खुदाई हुई और दूसरी बार 2003 में। दोनों खुदाइयों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि 1977 पर विवादस्पद जमीन पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी, जबकि 2003 में बाबरी मस्जिद का नामोनिशान भी नहीं था। सन 1977 में मस्जिद के बाहर पिलर बेस मिले जो एक सीधी लाइन में थे और बराबर दूरी पर थे। इस तरीके के पिलर बेस मंदिर में मंडप बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चूंकि उस समय बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा हुआ था, इसलिए यह पता नहीं लगाया जा सका कि यह पिलर बेस कहां तक जाते हैं। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने
विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी और ताले दोबारा खोले गए। 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्याओं में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर ढांचा गिरा दिया। इसके बाद देश के तमाम हिस्सों में तनाव फैल गया। साल 2003 एक अदालत ने फैसला दिया कि मस्जिद के विध्वंस को उकसाने वाले 7 हिंदू नेताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाए। इसके बाद ही साल 2003 में हाईकोर्ट के आदेश से विवादित भूमि की फिर से खुदाई शुरू की गई। इस बार खुदाई का नेतृत्व किया एएसआई के अफसर बीआर मनी ने। खुदाई में सबसे पहले एक बार फिर से 85 पिलर बेस मिले। खुदाई में इसके बाद एक रहस्यमय दीवार मिली। उस दीवार पर बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई थी। मंदिर के वहाँ होने के उसके अस्तित्व पर बड़ा जबरदस्त प्रकाश पड़ा। उसकी डबल दीवारें थी, उन दीवारों के बीच में जो जगह थी उसके अंदर करीब 2000 पीसेस उसके मंदिर की मिल निकली। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी एएसआई अफसरों की आंखें फटी रह गईं। हम आपको बता दें कि साल 2003 की इस खुदाई के दौरान एएसआई की टीम में हिंदू और मुसलमान दोनों ही अधिकारी मौजूद थे। 2 मजिस्ट्रेट हर वक्त मौजूद रहते थे। खुदाई के दौरान हर वक्त बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि मौजूद रहा करते थे। यह सब इसलिए किया गया जिससे किसी तरीके के विवाद या शक की गुंजाइश न रहे। इसके बाद खुदाई में मंदिर में प्रयोग होने वाला अम्ल का मिला। खुदाई और आगे बढ़ी और इस बार मिला जलाभिषेक की पानी की निकासी का सिस्टम। इसे कहते हैं मकर मुख जल प्रणाली। यहाँ अगर गौर किया जाए तो मस्जिद में जलाभिषेक तो होता नहीं है, तो यह प्रणाली बाबरी मस्जिद के नीचे आखिर क्या कर रही थी। खुदाई और आगे बढ़ी और ऊपरी सतह पर ही कुछ और प्रमाण मिले। इस बार कुछ मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली। इसके साथ ही गुलाबी बलुआ पत्थर का एक शिलालेख मिला। यह शिलालेख 11वीं शताब्दी का था। पत्थर के इस टुकड़े ने अयोध्या का पूरा इतिहास सभी अफसरों के सामने खोलकर रख दिया। बाबर से 400 साल पहले की कहानी बता दी। इसमें मंदिर के पुनः निर्माण का वक्त, पुनः निर्माण किसने कराया, मंदिर किस देवता का था, सब कुछ लिखा है। यह 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा एक शिलालेख है जिसने यह बता दिया कि बाबरी मस्जिद तामीर होने से हजारों साल पहले यहाँ मंदिर था। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण भी बाबरी मस्जिद के बनाने से 400 साल पहले हुआ था। खुदाई में जमीन के सबसे नीचे जो सबूत मिले उनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो यह पता चला कि यह ईसा से भी 1500 साल पुराने हैं। यानी अयोध्या बाबर से 3000 साल पहले भी एक पूरा आबाद शहर था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुलसीदास जी ने भी अपनी एक रचना तुलसी दोहा शतक में यह बताया है कि किस तरह से बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का ढांचा तैयार किया। 5 दिसंबर 2017 सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की विशेष अदालत में विवादित मामले की फिर से सुनवाई शुरू की गई है। दोस्तों ये सारे सबूत पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप इन्हें वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वहां पर क्या था, बाबरी मस्जिद या राम मंदिर, और आगे आने वाले समय में वहां पर क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम तक ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पहुंच सकें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है को दबाकर बनने वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। दोस्तों अगर आप इस चैनल की वीडियोस को रिलीज होने से भी पहले देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आकाश अरोड़ा फिलहाल इस एपिसोड में आपसे अलविदा लेता हूं। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों जब तक खुश रहिए और मेरी बाकी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए।